हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सलवार बनाने का सबसे आसान और सीधा तरीका, जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में अपनी सलवार काट सकते हैं और इसमें घेर भी काफ़ी अच्छा आता है, तो यह पटियाला जैसा लुक आएगा इसका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले सलवार के लिए मैंने यहाँ 2 मीटर कपड़ा लिया है और उसी में से मैंने यहाँ साइड से बेल्ट को निकाल लिया। बेल्ट मैंने 6 इंच की इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई इसकी 40 इंच रखी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सलवार को 4 भाग में ऐसे फोल्ड कर रख लिया है। बंद भाग को मैं अपनी साइड रखा है और खुले भाग को अपोजिट साइड रखना है। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ सलवार की लंबाई पर निशान लगाएंगे। लंबाई के लिए हमें जितनी सलवार की लंबाई लेनी है आप उसमें 2 इंच प्लस कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 38 इंच की हमारी सलवार की लंबाई है, तो यहाँ मैं 40 इंच की सलवार की लंबाई रखूँगी। इसके लिए हमारा जो बेल्ट का हिस्सा है, जो हम बेल्ट लगाएंगे, वो हमारा 6 इंच का बेल्ट है। तो बेल्ट का जो हमारा 6 इंच है उसको हम ऊपर निकाल कर फिर सलवार की लंबाई लेंगे। देखिए इस तरह से हम 6 इंच को ऊपर बाहर निकाल कर फिर सलवार की लंबाई पर निशान लगा रहे हैं। यहाँ मैं 40 इंच पर निशान लगा रही हूँ, तो मेरी सलवार रेडी होकर 38 इंच की आएगी। तो यहाँ हम 40 इंच पर निशान लगा लेंगे। 40 इंच पर निशान लगाने के बाद हम नीचे मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी के लिए मैंने यहाँ 8 इंच का निशान लगाया है, क्योंकि मुझे 8 छोटी मोरी चाहिए। अगर आपको जितनी मोरी चाहिए आप उसमें 1 इंच प्लस कर मोरी का निशान लगाएं। मैंने यहाँ 8 इंच पर मोरी का निशान लगा रही हूँ। याद रखिएगा ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा है। बस आपको मोरी का निशान लगाना है। इसके बाद हमें जहाँ मोरी का निशान लगाया है वहीं से हम कपड़े को कट कर एक निशान लगाएंगे, या 8 इंच पर नीचे। और हमें जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है ऐसे जहाँ हमने मोरी का निशान लगाया है वैसे वहाँ से उसको पकड़कर इस तरह से फोल्ड कर देना है। आप आसानी से देख पा रहे हैं। फिर ऊपर मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया है जहाँ हमारा कपड़ा फोल्ड हुआ है। अब इस निशान को हम सीधे मोरी तक नीचे मिला देंगे। बस आपको ये 2 निशान लगाने हैं। उसके बाद हम कपड़े को कट कर लेंगे। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ के सलवार की कटिंग कर सकते हैं। आप सिर्फ 2 मीटर कपड़े में ही काफ़ी अच्छा घेर इसमें आ जाता है। हमें नीचे मोरी तक इसको कट कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा हम उसे निकाल देंगे। इसी तरह हम इसको कट कर लेंगे। अब हमें जो साइड में हमने जो कट किया है वहाँ से हमें 4 भाग मिलेंगे इस तरह ट्रेंगल शेप कपड़े के। तो उसे हम कमर के भाग से नीचे तक लगाएंगे जहाँ हमने निशान लगाकर मोरी की कटिंग की थी। हमें इसे सिर्फ हमारे इस निशान तक रखना है और बाकी हम इसको कट कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 8 इंच का एक निशान लगाएंगे। यह हमारे आसन का निशान रहेगा। 8 इंच हमें निशान लगाना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम कट कर देंगे। इसी तरह से हमारी यहाँ सलवार की कटिंग वो पूरी हो चुकी है। अब हम इसमें बेल्ट कैसे अटैच करेंगे और ये चारों कोनों पर कैसे इसको अटैच करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, सलवार की स्टिचिंग के वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।